हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर ग्रामर बुक पेज नंबर 10 एंड 11। हियर इज अ होमवर्क टू यू। सी ब्रेन ट्विस्टर्स, ब्रेन ट्विस्टर्स। हियर इज रिटन, रीड दी सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स। ठीक है बेटा, इन सेंटेंसेस को आप पढ़िए और ये किस प्रकार के सेंटेंस हैं ये आपको लिखना है। जैसे ले लीजिए, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। तो इसमें आपको आदेश दिया जा रहा है, तो आप इसके आगे लिख देंगे कमांड्स। ठीक है ना, आई विश यू वेयर एन एक्टर, आई विश यू वेयर एन एक्टर। ये कैसा है सेंटेंस? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, इस तरह से आपको इन सारे सेंटेंसेस को लिखना है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। यू मस्ट वर्क हार्ड, ये आपका एडवाइस है। ठीक ना, या कमांड है। इस तरह से आप इन 10 सेंटेंसेस को लिखेंगे कि ये सेंटेंस किस टाइप के है। ठीक है, हैव यू सीन द ईफिल टावर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट ए ग्रेट सक्सेस, ये क्या है? ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। इस तरह से इन 10 को आप लिखिए। सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट डे भेजूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला है पेज नंबर 11 पे, एक्टिविटी जोन। एक्टिविटी जोन लिखा है, रीअरेंज द वर्ड्स इन द फॉलोइंग ग्रुप टू मेक ईच ग्रुप ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ऑल्सो राइट अ काइंड ऑफ सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक ना, यानी ये जो वर्ड्स हैं इन्हें आपको ऑर्डर में करके, सही ऑर्डर में करके आपको क्या करना है? मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक, उसके बाद वो सेंटेंस किस टाइप का है इन कॉलम्स में आपको लिखना है। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले लीजिए, नेक्स्ट इज व्हेन द मैच, पहला वाला, नेक्स्ट इज व्हेन द मैच। तो इसको क्रम में करेंगे तो क्या होगा, when is the next match, ये होगा when is the next match, और ये इंट्रोगेटिव वाला रहेगा। ठीक ना, तो ये आप लिख देंगे आप इंट्रोगेटिव इस कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आप सेंटेंस नंबर 2, पेपर दिस ऑफ इज क्वालिटी पुअर, पेपर दिस ऑफ इज क्वालिटी पुअर। इसे आप क्रम में करेंगे तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ दिस पेपर, सॉरी क्वालिटी ऑफ दिस पेपर इज पुअर। पेपर दिस पेपर, क्वालिटी ऑफ दिस पेपर इज पुअर। ये कैसा है? ये आपका सीधा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट। ठीक ना, इस तरह से आप इन सबको जो है पूरा कर लीजिएगा। ये 8 सेंटेंस है, इसे आप क्रम में करेंगे। 8वां देखिए, हाउ टुडे इज इट हॉट। तो इसको कैसे करेंगे, हाउ इट इज हॉट टुडे, इस तरह से आप कर लेंगे। और ये कैसा सेंटेंस है? ये एक्सक्लेमेशन का है, तो आप इसको इसमें लिखें, इस बॉक्स में इनमें आप लिखें। ठीक है, सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट भेजेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। प्लीज कंप्लीट इट इन योर नोटबुक्स। थैंक यू, दैट्स ऑल।